हाय हेयर तो आज मेरी क्लाइंट के साथ काउंसलिंग के टाइम पे मेरी क्लाइंट ने मुझसे पूछा सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं रेगुलर एजुकेशन मास्टर्स ना करके या फिर मैं डायरेक्ट जॉब में ना जाके कारपोरेट लाइफ ना स्टार्ट करके कुछ और कर सकूं अपने बैचलर्स के बाद कोई ब्रेक ले सकती हूँ इज देर समथिंग एल्स अवेलेबल तो मैंने कहा हाँ सो लास्ट ईयर मैं जापान में था और मुझसे काफी लोगों ने पूछा कि मैं जापान में क्या कर रहा था क्योंकि मैं जब भी किसी को समझाने की कोशिश करता था तो शायद उनको क्लियरली नहीं पता चलता था सो लेट मी टेल यू गाइज लास्ट ईयर मैं जापान में एक फेलोशिप का पार्ट था विच इज कॉल्ड अवाजी यूथ फेडरेशन अवाजी नाम का एक टापू है आइलैंड है जापान में जहां पर मैं एक फेलोशिप का पार्ट था उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भरी वहां पर बीस अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आए हुए थे और उस फेलोशिप में uh, हमें लेक्चर्स मिलते थे एक्स डिप्लोमैट से जापान के डिप्लोमैट एम्बेसडर जो अलग अलग कंट्रीज में रह चुके हैं यूएन के लीडर्स से तो ऐसे बड़े बड़े लोग कॉरपोरेट लीडर्स है जो जापान में यूएस में हांगकॉन्ग सिंगापुर बहुत जगहों पे काम कर चुके हैं तो ऐसे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था और उसके साथ साथ मैंने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पर मैं आ, अलग अलग लोगों से अलग अलग देशों के लोगों के साथ रेगुलरली काम करता था रोज तो क्या ये फेलोशिप क्या थी फिर क्या ये फेलोशिप मेरी एजुकेशन का पार्ट था क्या ये एक डिग्री थी जो मुझे मिल गई है नहीं ये एक डिग्री नहीं है तो फिर क्या ये मेरे वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा नहीं ये मेरी उस कंपनी ने मुझे इंप्लॉय नहीं किया था हाँ हमें एक स्टाइपेंट जरूर मिलता था लेकिन उस कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी थी और मेरा प्रोग्राम एक ही साल का था और इसी को हम कहते हैं फेलोशिप या फिर जिसे मैं कहना चाहता हूं अनकन्वेंशनल एजुकेशन ऑप्शंस आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती और जब हम जॉब में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जॉब में जाकर सीखनी पड़ती हैं और कंपनीज़ को ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जिनको अलग अलग स्किल्स आते हैं लेकिन कॉलेज में नहीं सिखा रहे तो कहाँ से सीखें तो ये बहुत बड़ा गैप बन रहा है कन्वेंशनल एजुकेशन और कन्वेंशनल जॉब्स के बीच में और इन कन्वेंशनल एजुकेशन ये जो चलते आ रही हैं चीज़ें इनके बीच में बहुत सारे करियर ऑप्शन मिस भी हो जाते हैं इसीलिए इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक आपको अपने बैचलर्स करने के बाद एक ब्रेक चाहिए आप कुछ और एक्सपोजर चाहते हैं आप चाहते हैं कि कुछ और सीखने को मिले आप चाहते हैं कि डायरेक्टली uh, मास्टर्स में ना घुसें या फिर अपनी कॉरपोरेट जॉब की जिंदगी में एकदम से ना घुसें तो फिर फेलोशिप्स आर समथिंग दैट यू कैन गो फॉर फेलोशिप्स के लिए आप डेफिनेटली ट्राई करें सो so, मैंने अपने क्लाइंट के साथ आज क्या बात की उसके बारे में इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं जिसकी वजह से जिसके एक्सपीरियंस के बाद आपको बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ मिल सकता है आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में आ, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके कारपोरेट करियर में भी आपको हेल्प होती है एग्जाम्पल मैंने जो दिए थे आज वो ये थे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन उनकी एक फेलोशिप है जहां पर आपको हिमाचल और बहुत सारी अलग स्टेट्स में जाके रूरल इंडिया में जाके एजुकेशन में हेल्प करनी होती है वैसे ही पिरामल फाउंडेशन की गांधी फेलोशिप भी है और एक अलग टाइप का प्रोग्राम भी है जागृति यात्रा कहते हैं मेरे दिल के काफ़ी करीब है वो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है तो ये कुछ ही एग्जाम्पल हैं इंडियाज़ में जे जिनको हम अनकन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम्स में डाल सकते हैं ऐसे और भी फेलोशिप्स हैं अगर आप इंटरनेशनली देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ए वाई एफ हवाजी यूथ फेडरेशन एक एग्जाम्पल था जहां पर मैं गया था और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी फेलोशिप्स अवेलेबल हैं बराक ओबामा अपनी फेलोशिप कंडक्ट uh, कराते हैं सो एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड कारपोरेशन एंड बिग पीपल बिग कंट्रीज बिग ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मेक अनकेंशनल सिस्टम्स अवेलेबल टू पीपल सो प्लीज़ गो ऑन गूगल